Hi students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Students, today we are going to start another new series of lectures which will cover Net JRF paper 1. Paper 1 means teaching and research aptitude. So today we will start unit 1 of this particular subject which is teaching aptitude, right? I would also like to tell here students कि हम अपने इन lectures में क्या cover करेंगे, what would be the content of this lecture series. So in each and every lecture we will cover the content explanation of every unit and every topic, and along with that simultaneously we will do the practice of MCQ and previous year question paper, यानी कि PYQs, right? तो MCQs and PYQs we will also practice along with the content explanation. And at last there is a surprise element for you students, कि we will have a homework activity in which I will give you one question to think about that. And in the next lecture, first we will start the discussion of that homework question, then we will start the content, right? Before we start the teaching aptitude, we must know कि what is the importance of teaching. So यहाँ पर मैं एक कोट शेयर करूँगी आपसे, जो मेरा फेवरेट कोट भी है. मलाला यूसुफ जई ने इस बात को कहा है बहुत ही छोटी उम्र में, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, isn't it students? ये बिल्कुल ठीक बात है, और हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि हम एक बच्चे, एक टीचर, एक बुक और एक पेन से इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, रिवोल्यूशन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस टीचिंग इज़ गोइंग टू इम्पॉर्टेंट एंड हाउ अ टीचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड. सो बिफोर वी गो अहेड वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग, कि क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब, एंड ये कितना इम्पॉर्टेंट है. Teaching aptitude is an essential tool for the assessment of teachers. Assessment of teachers, ये थोड़ा सा यहाँ पर surprising है कि teachers तो students को assess करते हैं, हम assignments देते हैं अपने students को, तो why there is a need for the assessment of a teacher? That is the magic of this particular subject and topic. कि teachers अगर मजे हुए होंगे, trained होंगे, अगर उनको उन्होंने अपने आप पे काम किया होगा, सो डेफिनेटली दे विल गिव द बेस्ट कंटेंट टू द स्टूडेंट्स. इसीलिए आपके इस पेपर वन में इस यूनिट को रखा गया है, क्योंकि आप अगर टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग के लिए आप इस एग्ज़ाम को, अपने नेट JRF को कम्पीट करना चाहते हो, इसको क्वालिफाई करना चाहते हो, सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि टीचिंग एप्टीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है. सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ ए एसेंशियल टूल, कि अगेन एंड अगेन अ टीचर मस्ट बी असेस्ड. उसको ये परखा जाना चाहिए, उसको ये जांचा जाना चाहिए कि क्या वो एक सही दिशा में अपनी टीचिंग कर रहा है. देन इट इज़ अ मोड ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु विश टू परस्यू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. येस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू वी कैन इवैल्यूएट जो भी टीचर परफॉर्म कर रहा है, जो भी टीचर अपने प्रोफेशन में डिलीवर करना चाह रहा है, जो भी उसका टारगेट है, मोटिव है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वे है, एक मोटिव है, और इसीलिए इसको भी एक इवैल्यूएटिंग मोड माना गया है. This method refers to the necessary qualities required to become a successful teacher. Teaching aptitude के थ्रू इसको पढ़ने के दौरान हम ये जानते हैं कि एक सक्सेसफुल टीचर को क्या क्या क्वालिटीज़ को पजेस करना चाहिए, किन किन क्वालिटीज़ को उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल टीचर बने, एक रोल मॉडल बने अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए टीचर पूरी लाइफ एक रोल मॉडल होता है. भले ही आपका टीचिंग ड्यूरेशन उसके साथ ओवर हो जाए, आप अपने स्टूडेंट को उसका क्लास में पढ़ा चुके हों, उसके बाद भी आपका रोल आपके स्टूडेंट के लाइफ में हमेशा रहता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन क्वालिटीज़ को, उन गुड़ी टीचर्स के गुणों को ऑक्यूपाई करें, राइट?
Now, we should also understand the meaning of these two terms, which actually compose teaching aptitude. So we can clearly see here that teaching aptitude is actually made by two important terms, teaching and aptitude. So chaliye students, hum ye jante hain ki actually in terms ka literal meaning kya hota hai. Teaching ka, jaise ki hum sabhi jante hain, teaching means an act of imparting knowledge to the learners. Hum apne learners ko, students ko, whenever we give the knowledge to them, it is called teaching. Aptitude means a natural ability to do something. That means कि आपके अंदर एक टीचर के अंदर एक इनर गुण होता है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो उस काम को करना चाहे. तो एप्टीट्यूड को यहाँ टीचिंग से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि टीचिंग एक गुण है, एक क्वालिटी है जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए. सो एप्टीट्यूड का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मतलब है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट. Teaching is a process which can be carried out formally or informally. Yes, it is also very true, क्योंकि teaching एक ऐसा process है जिसको हमेशा formally ही नहीं किया जाता. अगर आप थोड़ा सा observe करो बच्चों, तो आप ये जानोगे कि actually हमारी teaching हमारे childhood से शुरू हो जाती है. तो informal teaching takes place within the family since from our early childhood. हमारे बचपन से, या यूँ कहें कि हमारे बर्थ से ही एक्चुअली हमारी टीचिंग शुरू हो जाती है. एंड हु आर द कोच ऑफ आर लाइफ्स, हु आर द टीचर्स ऑफ आर लाइफ्स. फर्स्ट टीचर इज ऑलवेज कॉल्ड अ मदर, राइट. आपके मदर, आपके फादर, आपके रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नेबर्स, दे ऑल आर परफॉर्मिंग अ काइंड ऑफ यूनिक रोल इन योर लाइफ. आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, देन यू रियलाइज कि एक्चुअली आपने ये आप तब सीखा था, ये आपने क्लास फिफ्थ में सीखा था, ये आपने बचपन में सीखा था. सो इनफॉर्मल टीचिंग हमारी तभी से शुरू हो जाती है जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग विच कैरीड आउट बाई ट्रेन टीचर्स, फैकल्टी एंड एक्सपर्ट्स. हमारी फॉर्मल टीचिंग तब शुरू होती है जब हम अपना स्कूल ज्वाइन करते हैं. वेदर वी स्टार्ट द प्रिपेटरी, प्रिपेटरी स्कूल से ही आपका फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यू आर बीइंग टॉट बाय द एक्सपर्ट टीचर्स जो हायर किए गए हैं उस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा, स्कूल के द्वारा, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ही प्रोफेशन अडाप्ट करा है. सो आपकी टीचिंग स्टार्ट होती है उन ट्रेंड एक्सपर्ट्स से, उन ट्रेंड टीचर्स से, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल टीचिंग. यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. कि टीचिंग के क्या फीचर्स हो सकते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो उस पर प्रकाश डालते हुए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. नंबर वन इज टीचिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन. यस, दिस इज ट्रू कि जो टीचिंग है, जो पढ़ाने का प्रोसेस है, एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग. बिकॉज थ्रू द टीचिंग वी लर्न समथिंग, वी गेट अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू द टीचिंग. सो इट इज़ जेन्युइनली रिलेटेड टू दीज टर्म्स, एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द पार्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टीचिंग. देन नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू वेन अ टीचर इज टीचिंग. जस्ट इमेजिन द दैट क्लासरूम, वेन एवर द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, देयर इज अ डायनामिक एनवायरमेंट. वाई? बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर गेनिंग समथिंग. दे आर इन टू द यू नो थॉट प्रोसेस, दे आर इन टू द रैशनल प्रोसेस. कि वॉट एवर द टीचर इज टीचिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर जस्ट ग्रास्पिंग दैट नॉलेज इन टू योर सेल्फ. सो देयर इज अ डायनामिक एनवायरमेंट, देयर इज अ यू नो वेरी वाइब्रेंट एनवायरमेंट इन द क्लास. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. येस, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट इज़ अ कीप ऑन गोइंग प्रोसेस. वेन यू ज्वाइन द क्लास, प्रिपेटरी क्लास, देन यू गो टू द नर्सरी, के जी, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, देन यू कंप्लीट योर स्कूलिंग, देन आफ्टर यू ज्वाइन द कॉलेज, देन इफ यू वॉन्ट देन यू गो फॉर द हायर स्टडीज. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कैन नॉट ब्रेक इट इन बिटवीन, बिकॉज टीचिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. It is an art as well as science. Yes, it is also true. How teaching is be a art? It is an art because in teaching you have a lot of things
to create. You have a lot of things to decorate your lectures, to accessorize your lectures. कैसे? क्योंकि हर टीचर की अपनी एक पढ़ाने की कला होती है और उस कला में वो हर दिन ऐड ऑन करता है कि वो कैसे अपने लेक्चर्स को, अपने क्लास को इम्पैक्टफुल और स्ट्रेंथफुल बनाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स आपके द्वारा दिए गए नॉलेज को, आपके द्वारा दिए गए एजुकेशन को ग्रैस्प कर पाएँ. सो दिस इज़ एन आर्ट. Why it is a science? Teaching को science क्यों कहते हैं? क्योंकि every day you explore something. During your teaching process, in each and every lecture, you will find at last कि you have explored something new. Every time, new things, new pedagogy, new creation, new inventions are adding on to the teaching process. That's why it is a science. Then it has a high degree of autonomy. Yes, it is also true, because teaching is something in which the master of that teaching process is only the teacher. Only teacher is going to decide ke how he is going to frame his lecture or her lecture, or how the content will be fit to the lecture. So you are the master of your particular teaching. That's why it is called, this consists of high degree of autonomy. It is essential and intellectual activity. Yes, it is also true, students. बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो टीचिंग करते हो उसमें यू आर रैशनल समवेयर. यू आर डूइंग एनीथिंग और वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग इन टू योर क्लास, यू आर जस्ट डिलीवरिंग द इंटेलेक्चुअल कंटेंट टू द स्टूडेंट्स. आप कहीं ना कहीं कुछ सोच कर, विचार करके, और जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान चीज़ों को लर्न किया, अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ों को सीखा, उन्हीं एक्टिविटीज़ को आप इम्प्लीमेंट करके कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं अपने टीचिंग के दौरान, और अपने बच्चों को एक इम्पैक्टफुल कंटेंट डिलीवर करते हैं. इसीलिए आपकी टीचिंग को एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से भी डिफाइन किया गया है. टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन. येस, इट इज़ अ प्रोफेशन, बिकॉज द ट्रेन टीचर्स और द फैकल्टी हु आर इन टू द जॉब, हु आर इन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, हु आर गोइंग टू ज्वाइन द स्कूल एंड कॉलेजेस, दे आर गोइंग टू हैव द पे और द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचिंग. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन. आप यू आर गोइंग टू बी पेड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, फॉर दैट पर्टिकुलर टीचिंग. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशन. इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. आप जब टीचिंग को अपना प्रोफेशन ऑप्ट करते हो तो डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टडी. आपने अगर टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुना है तो आपको बहुत लंबी पढ़ाई के दौरान जाना पड़ेगा. आप अपना स्कूलिंग करेंगे, आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे, और अब तो करेंटली स्कूल टीचर के लिए भी बीएड कंपलसरी कर दिया है, इट इज़ मैंडेटरी. सो आपको टीचर ट्रेनिंग्स के दौरान भी उसको अपनी टीचिंग को सीखना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ ट्रेन टीचर फॉर ऑप्टिंग द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. सो दैट्स वाई इट इंक्लूड्स द लेंदी पीरियड ऑफ स्टडीज एंड ट्रेनिंग इट्सेल्फ. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट 1 का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब इसी से रिलेटेड हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बिकॉज साथ ही साथ कंटेंट को समझते हुए अगर हम प्रैक्टिस भी करें सो वो हमारे टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर देगा. सबसे पहला MCQ है, टीचिंग इज ऑप्शन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, ऑप्शन बी अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन कि क्या करेक्ट आंसर होगा. टीचिंग इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, हम पढ़ चुके हैं कि टीचिंग दोनों ही होते हैं, या तो फॉर्मल टीचिंग भी हो सकता है, इनफॉर्मल टीचिंग भी हो सकता है. टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स. व्हेन यू टीच द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ्स. दे विल गो फॉर द डॉक्टर प्रोफेशन, दे विल गो फॉर द टीचर प्रोफेशन, दे विल गो फॉर द इंजीनियरिंग प्रोफेशन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीचिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्कूलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, दे आर गोइंग टू ज्वाइन द प्रोफेशन ऑफ देयर लाइफ.
इट इज़ अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. यस, टीचिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने नॉलेज को जो हमने अर्जित करी अपनी स्कूलिंग और अपनी एजुकेशन के दौरान, उसको अप्लाई करते हैं वेरी स्किलफुली अपने स्टूडेंट्स पर. बहुत ही इम्पैक्टफुली अपने नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे. तो इसका मतलब ये तीनों ही आंसर सही हैं. टीचिंग का मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं. सो हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. बेटा सर्कल कैसे करेंगे? इसमें से नहीं आएगा कुछ, कर दे, हमें ये भी तो करना चाहिए था. ठीक है, अभी पहले इस पे प्रैक्टिस करो. ठीक है, चलो करो. सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग हमने अभी अभी डिस्कस करा है. सो हम इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं. इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज़ नीदर आर्ट नॉर साइंस. आप बताएं स्टूडेंट्स, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, विच इज़ द करेक्ट आंसर. येस, यू आर ट्रू. सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ. येस, वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है, MCQ आया हुआ है June 1997 के नेट एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू. चलिए इसको हम चेक करते हैं. टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचिंग कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचर्स आर बॉर्न, या ऑल द अबव. ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, दे आर नॉट द राइट स्टेटमेंट, या इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है. सो टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इट इज़ आर्ट एंड साइंस बोथ. टीचर कैन बी ट्रेन्ड ओनली, नो, इट इज़ नॉट ट्रू. हम इनफॉर्मल टीचिंग के दौरान हम देखते हैं कि टीचर्स कैन बी एनी पर्सन हु इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द पर्सन, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड द टीचर. देन टीचर्स आर बॉर्न, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू कि केवल बॉर्न टीचर्स ही टीचर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा MCQ प्रैक्टिस ओवर होता है. नाउ लेट्स हैव अ होमवर्क सेशन, जिसमें कि मैं आपको एक MCQ दूंगी जिसका आंसर आपको सोचना है, और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उस आंसर को डिस्कस करेंगे, उस MCQ को डिस्कस करेंगे, तब हम अपने अगले कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे. सो वो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज़ टू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नॉलेज और गुड एक्सप्रेशन. इन चारों में से कौन सा वो एक प्राइम रिक्वायरमेंट है जो एक टीचर को गुड टीचर बनाता है? तो आप इसके बारे में सोचो, जानो और अपने सही आंसर को फाइनल करो, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर वन ऑफ यूनिट वन फ्रॉम पेपर वन नेट JRF से कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या अपने कमेंट्स उसमें डाल सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो अधिक से अधिक बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे और इस चैनल का फ़ायदा उठा पाएंगे, एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेट JRF. आई वांट कि जो भी बच्चे इस चैनल को, इस लेक्चर को, इस लेक्चर सीरीज़ को अटेंड करें, दे ऑल विल क्वालिफाई द नेट JRF. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल पाए. सो इसके लिए नीचे एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करेंगे और आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ये चैनल. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे एट होम, सी यू सून.